नेक्स्ट इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक. देयर आर फोर नेसेसरी कंडीशन. वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकेंड इज होल्ड एंड वेट, थर्ड इज नो प्रीएम्प्शन एंड फोर्थ इज सर्क्यूलर वेट. अब अपन एक एक को समझते हैं. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मीनिंग क्या है? ईच रिसोर्स इज आइदर करंटली असाइन टू एग्जैक्टली वन प्रोसेस और इज अवेलेबल. या तो एक रिसोर्स किसी प्रोसेस को असाइंड हुआ है या फिर वो अवेलेबल है. ऐसा नहीं हो सकता कि एक रिसोर्स को हम दो प्रोसेस को असाइन कर दे. क्लियर है? बाय डिफॉल्ट हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करना चाहते हैं. क्लियर है? तो ये इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है. नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट का मीनिंग है एक प्रोसेस किसी समय पर कुछ रिसोर्सेस को होल्ड किए हुए है और एट द सेम टाइम वो किन्हीं दूसरे रिसोर्सेस की रिक्वेस्ट कर रहा है. तो इसलिए बोलते हैं होल्ड एंड वेट, जो कि एक साथ हो रहा है. क्लियर है? नाउ थर्ड इज नो प्रीएम्प्शन. यहां पर नो प्रीएम्प्शन ऑफ रिसोर्स है ना कि प्रोसेस है. सीपीयू के अंदर प्रोसेस का प्रीएम्प्शन अलाउड है, उसमें कोई दोराय नहीं है. क्लियर? नाउ लेकिन यहां पर जो टर्मिनोलॉजी है नो प्रीएम्प्शन ऑफ रिसोर्स, ये आप इंटरनली ध्यान रखिएगा. तो रिसोर्सेस प्रीवियसली ग्रांटेड कैन नॉट बी फोर्सिबली टेकन अवे फ्रॉम ए प्रोसेस. दे मस्ट बी explicitly released by the process. Clear है? आप किसी भी process को अगर resource assign कर दे रहे हो तो उससे जबरदस्ती processes को नहीं, resources को नहीं छीन सकते, क्योंकि जबरदस्ती करना ही क्या होता है? Preemption. But यहां पर preemption किसका? Resource का. तो इस बात का हर हमेशा ध्यान रखना कि ये प्रोसेस का प्रीएम्प्शन नहीं है. और एक प्रोसेस अगर किसी रिसोर्स पे काम कर रही है तो प्रोसेस का प्रीएम्प्शन पॉसिबल हो सकता है इन द सीपीयू. क्लियर? कोई और प्रोसेस सीपीयू में एंटर कर सकती है, उसमें कोई दोराय नहीं है. क्लियर है? तो उससे कंफ्यूज मत होना. एंड फोर्थ इज सर्क्यूलर वेट. एक लॉजिकल चेन जिसमें एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, मतलब P1 प्रोसेस R1 होल्ड कर रही है और R2 उसको रिक्वेस्ट करना है और वो R2 P2 होल्ड कर रही है, P2 R2 होल्ड करके R3 रिक्वेस्ट कर रही है जो कि P3 प्रोसेस होल्ड किए हुए, और P3 R3 होल्ड करके P1 R1 प्रोसेस क्या कर रही है? रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रही है. कुल मिलाकर के एक चेन बन जाना, P1 देन P2 देन P3 देन P4 और फिर P1, इस तरीके से. क्लियर है? रिक्वेस्ट और होल्डिंग की एक चेन बन जाती है जिसे हम बोलते हैं सर्क्यूलर वेट. क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, every individual condition is necessary but not sufficient for the existence of deadlock. जिसको मैं एक example के साथ समझाऊंगा, but यहां पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये चारों की चारों individual condition necessary तो हैं but sufficient नहीं है कि डेडलॉक की एग्जिस्टेंस को वो बता पाए. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर्क्यूलर वेट है तो डेडलॉक है, होल्ड एंड वेट है तो डेडलॉक है. लेकिन अगर डेडलॉक है इट मींस दिस ऑल फोर कंडीशंस आर प्रेजेंट, ये कंपलसरी है. क्लियर? तो सेकेंड जो नोट है वो है इफ देयर इज अ डेडलॉक देन इट इंप्लाइज
All four conditions are present, but converts need not be two. यहां पर मैं आपको एक और बता देता हूं. If P implies Q होता है तो Q implies P आपका कॉन्वर्स है. क्लियर? कंफ्यूज मत होना. कॉन्वर्स इज नथिंग बट रिवर्स या ऑपोजिट कह सकते हैं. क्लियर है? क्योंकि यहां पर आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो यहां पर P implies Q मतलब डेडलॉक है, तो चारों कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, कंपलसरी है. लेकिन चारों कंडीशंस अगर प्रेजेंट हैं तो डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. यह भी मैं अपकमिंग लेक्चर में आपको एग्जांपल के साथ समझा दूंगा. क्लियर है? तो ये हो गई नेसेसरी कंडीशंस जो इंटरव्यू के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट में आ भी सकता है. आज तक ऐसा तो कभी नहीं पूछा गया है कि कौन सी नेसेसरी कंडीशन है और कौन सी नेसेसरी कंडीशन नहीं है. लेकिन यस, पब्लिक सेक्टर में ये क्वेश्चन डिजाइन किया जा चुका है. क्लियर है? तो दिस आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेडलॉक. इज देयर एनी डाउट?